आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्सेशन लेक्चर नंबर 6.1। तो हमारे पास ये बाइनरी नंबर है 100110.101। तो हमने इसको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो याद रखें कि पिछले लेक्चर में मैंने ये बात बताई थी कि हेक्साडेसिमल में जाने के लिए हमें बाइनरी नंबर के 4 डिजिट्स का एक एक पेयर बनाना होता है, यानी कि हर 4 डिजिट्स का एक पेयर बनाना होता है। तो पॉइंट के बाद जो है हम जो है ना लेफ्ट साइड से राइट की जाने बनाएंगे और पॉइंट के दूसरी साइड पे हम जो है ना राइट साइड से लेफ्ट की जाने बनाएंगे पेयर। तो ये देखिए हमारे पास है वही 100110.101। तो हमने जो है ना 4 डिजिट का पेयर बनाना है और ये देखें पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट हैं। तो हम इसे जो है ना सबसे पहले 4 डिजिट कंप्लीट करेंगे, तो इसके साथ एक और 0 लगाएंगे, तो ये 4 डिजिट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो हमने इसका एक पेयर बना लिया है। उसके बाद हमने जो है ना पॉइंट के इस तरफ जो है ना इसके भी 4 डिजिट के पेयर बनाने हैं। ये देखें 1 2 3 और ये 4 डिजिट्स का एक पेयर बना लिया है। अब ये देखें ये हमारे पास सेकेंड जो पेयर बनाना है उसके लिए 2 डिजिट हैं, 2 और हमें चाहिए 4 का कंप्लीट करने के लिए। तो हम इसके साथ 2 और 0 लगाएंगे। 2 और 0 लगाने से इसकी वैल्यू भी कोई नहीं चेंज हुई और हमारे पास 4 डिजिट का जो है ना पेयर भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारे पास ये जो है ना 0010 ये 2 के इक्वल है और हमारे पास 0110 ये हमारे पास जो है ना ये 6 के इक्वल है और हमारे पास ये 1010 ये जो है ना बाइनरी ये 10 के है और 10 को हम जो है ना हेक्साडेसिमल के अंदर ए लिखते हैं। तो हम इसको ए लिखेंगे। तो हमारे पास ये जो है ना बाइनरी नंबर था, इसका हमने ये हेक्साडेसिमल नंबर बना लिया है। तो ये हमारे पास बाइनरी नंबर है, तो ये इसका जो है ना हेक्साडेसिमल, ये बाइनरी नंबर को हमने हेक्साडेसिमल के अंदर तब्दील कर लिया है, कन्वर्सेशन इसकी कर लिया। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारी वीडियो और ज़रूर कमेंट्स करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।